बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 2 के हवाले से। पाकिस्तान पिनल कोड 1860 का सेक्शन 2 जो है, उसकी लैंग्वेज या टर्मिनोलॉजी जो है वो है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान। भी कौन कौन से या कौन से जराइम हैं जो पाकिस्तान में कमिट होते हैं और उनकी सज़ा क्या होगी। यानी कोई भी शख्स जिसे जो कोई फेल करता है या तरके फेल करता है, फेल का मतलब कोई एक्ट करता है या अमिशन करता है, यानी कोई काम करता है या वो काम जिससे उसे रोका गया है वो काम करता है जो इस पिनल कोड का मजमूआ है उसके ताबे जुर्म है, वो उस और वो पाकिस्तान के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन या पाकिस्तान के एरिया में पाकिस्तान में कोई जुर्म जो कमिट होता है तो वो सज़ा का मुस्तजिब होगा, यानी उसे सज़ा दी जाएगी। और इस हवाले से मैं आपसे ये भी बात करना चाहता हूँ कि इस मजमूए का अतलाक जो है ना वो होल द पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में है। इस मजमूए के तहत जो भी जुर्म कोई बंदा सज़ा सरजद करेगा, कोई भी बंदा जो जुर्म जो है ऑफेंस कमिट करेगा, खब वो किसी भी नस्ल से, किसी भी बरदरी से या किसी भी मज़हब से तलक रखता है तो वो इस किताबे वो जो जुर्मदार जो है वो माना जाएगा और उसको इस जुर्म इस सेक्शन किताबे पाकिस्तान पिनल कोड की इस दफ़ा किताबे जो है वो सजा दी जाएगी। जी व्यूअर्स, ये था पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 2 जिसके हवाले से मैंने आपसे आज बात की है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप सेक्शन 3 पर जो है वो तफसीली बात करेंगे। इस हवाले से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें या कोई आप बात पूछना चाहें जो मुझसे रह गई हो, इंसान किताब का पुतला है तो किताबें भी बड़ी हैं लेकिन उनमें गलती भी हो जाती है, तो बुकला हजरात चूँकि काफ़ी बिजी माइंड होते हैं तो इस हवाले से वीडियो बनाते वक्त कभी कोई ना कोई गलती कमी बेशी रह जाती है, तो आप काइंडली मुझे भी इसमें रहनमाई दें। मैं आपको लीगल असिस्टेंस दे रहा हूँ, आपको जो लीगल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस हवाले से कोई कमी रह जाए तो आप जो है वो मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं या मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं या इस कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं, इसके हवाले से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको इस हवाले से लीगल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो प्रोवाइड करूँगा। जी शुक्रिया, थैंक यू।